मुझे आप सादत हसन मंटो या फिर फोहश निगार की हैसियत से जानते हैं। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है जिन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा गया और सबसे ज्यादा ही कोसा गया। मैं हमेशा इसी सोच में गुम रहा हूं कि मैं कौन हूं, इस दुनिया में मेरा मकाम क्या है, ये फोहश निगार है कौन। मंटो जो थे इंतहाई फतेहीन और इंतहाई जहीन और एक अलग सी सोच के हामिल थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि मंटो को जो वक्त मिला, जो ज़िंदगी मिली, जो ज़माना मिला, उसमें उनको मुख्तलिफ जहतों से गुजरने का मौका मिला। वो सियासी लिहाज से भी एक अजीब सा ज़माना था और तरक्की के हिसाब से भी एक अजीब सा ज़माना था और तमद्दुन के हिसाब से भी एक अजीब सा ज़माना था। जब तक इंसान में और ख़ास तौर पर सादत हसन मंटो में कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, वो खुर्दबीन से देखकर बाहर निकालता रहेगा और दूसरों को दिखाता रहेगा। मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज है जिसे फोहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कहा जाता है। देखिए, मंटो साहब बहुत से हवालों से बहुत यूनिक हैं और बहुत अनयूजुअल। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ जो कुछ उन्होंने लिखा, जिस किस्म के मौजूद को उन्होंने उठाया, जिस किस्म की अप्रोच थी उनकी, जो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग था, ना सिर्फ वो बल्कि महज अगर आप सिर्फ उस मकदार को मद्देनज़र रखें जिसमें उन्होंने लिखा है, तो वो एक एक्सेप्शनल राइटर है जिनकी मिसाल आपको ना सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि किसी और ज़बान में भी शायद ना मिले। और ख़ुसूसन अफसाने या शॉर्ट स्टोरी के हवाले से आई थिंक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सेप्शनल। तो इसीलिए और साथ उनको देखिए ना, जो भी वो लिखते थे फिर जिस अखबार में लिखते थे उस अखबार के खिलाफ हो जाते थे, हुकूमत उसको बंद करने को जाती थी, उनकी बीवी थी, बच्चे थे, कोई रोजी रोटी का इंतज़ाम ही नहीं था। फिर आप बताएं, जो जो भी शख्स इस सूरत हाल में होगा वो मायूसी होगा ना। मेरा ख्याल है कितने 43 ईयर्स की उम्र में तो उनका इंतकाल भी हो गया था, और इसीलिए मायूसी का आलम था, रोजी रोटी का कोई सिलसिला नहीं था। और फिर वो अपना काम गलत करने के लिए शराब की तरफ चले गए,
ज़्यादा वक़्त, और वो शराब भी पीते थे घटिया किस्म की, क्योंकि शराब तो महंगी होती तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रोज़ आप पढ़ते नहीं अखबार में कितने लोग मर जाते हैं गलत शराब पीने से, तो वो इसी तरीके से उनके जिगर पे असर हुआ, फौत हो गए मेरा ख्याल 43 ईयर्स की उम्र में। आज जिंदा होते तो 102 साल के गालिबन होते। बाबू गोपीनाथ, सुल्ताना, शंकर, सौगंधी, मोहम्मद भाई, ये सब इसी मुआशरे के किरदार हैं। एतराज लगाना है तो मुआशरे पर लगाइए, आपका मुआशरा ठीक होता तो मैं भी फोहश निगार ना होता। सारा स्यापा ही इस दुनिया में औरत का है। उसकी वजह यह है कि औरत को आप निकाल दें, ना अदब रहता है, ना शायरी रहती है, ना हुस्न रहता है, ना जमाल रहता है, ना मौसीकी रहती है, ना मुसव्वरी रहती है। अल्लाह सुभान व तआला ने इस मौसू के ऊपर लाया था कि वो इस मौसू पे आके काम करें। उनके जितने बड़े बड़े अफसाने हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात बने, जिन पर उनके ऊपर बेशुमार उनके ऊपर लान तान हुई और बदनाम हुए, हत्ता के ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो एक गोली देते थे खाने को, दूसरे अदीब उसके ऊपर मीठा लगा के दे देते थे और वो कहते थे कि गोली को गोली की तरह ही खाओ, कड़वी है तो इसको कड़वा फील करके खाओ, इसके ऊपर कोट मत चढ़ाओ शूर का। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो भी उनकी जितना भी उनका आदर है, वो करीब करीब सारे का सारा जिन्स के ऊपर था। और उन्होंने जो एजुकेट किया वो एक बड़ी बड़ी बड़े बहुत बड़ी हकीकत है। ओए तुम करते क्या हो? यही जो तुम करती हो। मैं तो कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। लो ये क्या बात हुई, तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करते होगे। तो तुम भी कुछ ना कुछ तो जरूर करती होगी। जग मारती हो। मैं भी जग ही मारता हूँ। हाजिर हूँ जनाब, लेकिन मैं जग मारने के नाम नहीं दिया करता। ओए, होश की दवा लो, ये कोई लंगर खाना नहीं है। और मैं भी कोई वॉलंटियर नहीं हूँ। वॉलंटियर क्या होता है? उल्लू का पट्टा। पर मैं उल्लू की पट्टी नहीं हूँ। लेकिन वो खुदा पर जरूर एक उल्लू का पट्टा है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के पास अपनी किस्मत के ताले खुलवाने जाता है जिनकी किस्मत के तालों को संग लगा हुआ है। तुम खुद हिंदू हो और हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो, और ये क्या उठपटांग बातें बत रहे हो? बोलो रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका। चलो चलो अपना रास्ता नापो। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, कोई काम हो तो बताना। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उनसे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो समझ लीजिए जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीरों में कोई नक्स नहीं। जिस नक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो मौजूदा निजाम का नक्स है। और मैं उनको होश निगार नहीं करार दे सकता। डेफिनेटली जब आप ठंडा गोश्त पढ़ते हैं या आप बू पढ़ते हैं या जब आप काली शलवार पढ़ते हैं या आप हतक पढ़ते हैं, तो उसमें यकीनन उनका बयान जो है वो उसका अंदाज बेबाक है। आम लफ्जों में आप उसे खुला डुला भी कह सकते हैं, मगर वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर्टिकुलरली जब आप आजकल के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखोगे तो यू विल रियलाइज के अब आपने
बहुत सी डिबेट शुरू कर दी हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ जो है वो एथिकली ठीक है। मगर आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओ कि आपने बहुत से एथिक्स को बेंड करना शुरू कर दिया, और इस तरह बेंड करना शुरू कर दिया कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते जा रहे हैं, आप एक आदमी को एक सर्टन तरह से ही प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं। आप अगर हेट्रेड दिखा रहे हैं तो आप हेट्रेड ही दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि मंटो साहब ने सिर्फ जो बोल्डनेस थी वो बराए बोल्डनेस नहीं रखी, उसके पीछे जो काट होती थी, उसके पीछे जो उनका एक मकसद होता था कि लोगों को बहुत मलम्मा चढ़ाने की या चीज़ों के ऊपर गिलाफ चढ़ा के पेश करने की एक आदत पड़ गई, जिसकी वजह से शायद सच डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया। तो आई थिंक एक अफसाना निगार के पास ये लाइसेंस होता है, एक आर्टिस्ट के पास ये लाइसेंस होता है कि वो अपने अंदाज को जो भी वो चूज़ कर रहा है उस पर इंसिस्ट भी करे। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काले चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक इस्तेमाल करता हूँ ताकि हमारे मुआशरे की बीमारियां नुमाया हो। सारा सारा दिन कहाँ पाए बैठते हो? मैं इस पिंजरे में कैद रहती हूँ, ना कहीं आ सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। तुम्हें इसकी भी परवाह है कि मुझे काला जोड़ा ही ला दो? घर में फूटी तोड़ी तक नहीं है, हाथ की कंगनियां तक बिक गई हैं। तुम ही बताओ क्या होगा, ये फकीरों के चक्करों में कब तक मारे मारे फिरते रहोगे? या तो खुदा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। चोरी करो या ढाका डालो, मुझे नहीं पता, मुझे काली शलवार चाहिए, वो जो तुमने दुपट्टा और कमीज सफेद दिवाली पे दिलवाई थी मैं रखवा दूंगी। मेरी कसम खाओ मेरी लगती जो तुम ना हो। वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बहुत ड्रामाई और बड़ा और फिल्मी नहीं ढूंढते थे, वो कॉन्फ्लिक्ट उसकी इंसानियत में ढूंढते थे। सो काली शलवार में भी अगेन इट्स अ कंप्लीट कमेंट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑन कल्चरल साइकोलॉजी। एक धंधा करने वाली औरत की जिंदगी का बहुत बड़ा अलमिया कि मुहर्रम आ गया, उसके पास काले कपड़े नहीं हैं। सो वो आपको सिर्फ एक सवाल दे रहे हैं कि इस औरत के बारे में कभी इस तरह सोचा है? मजहब तो उसके लिए भी बना है, खुदा तो उसका भी है, you know? अब वो सिर्फ उसको बेचारी नहीं दिखा रहे, एक स्ट्रॉन्ग औरत का कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। सो मंटो साहब डिस्पाइट शोइंग सम ऑफ हिज कैरेक्टर्स इन अ डार्क वे आल्सो पोर्ट्रेट देम वेरी स्ट्रॉन्गली। सो आई थिंक हिज कैरेक्टर पोर्ट्रेट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन काली शलवार, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट ऑन जेंडर, हाउ दीज टू वुमेन आर मच मोर स्ट्रॉन्ग देन द क्लाइंट, द मेन कैरेक्टर, द मेल कैरेक्टर इन द स्टोरी। वो एक बहुत आई थिंक एक बहुत बड़ी चपेड़ है हमारे मर्दानगी के तसव्वुर के ऊपर कि वो फजूल आदमी क्या कर रहा है, उधर से बुंदे ले रहा है, उसको बुंदे ला के दे रहा है, उधर से शलवार ले रहा है, तो दो औरतों के बीच में कमीना तो आदमी हुआ। मैं तहजीब, तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो कि है ही नंगी। लेकिन जिंदगी उसकी बहुत छोटी थी, लेकिन अफसाना निगार के हवाले से तो मेरा ख्याल है उनका कोई और नजीर ही नहीं है। वो पिछली सदी का, इस सदी का और आने वाले वक्तों का एक बहुत बड़ा अदीब था। मंटो जिंदाबाद। सादत हसन मंटो मनो मन मट्टी के नीचे मदफून है, और आज भी इसी मनोमन मट्टी में लेटा ये सोच रहा है कि वो सबसे बड़ा अफसाना निगार है या खुदा।